हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एनवलोप्स के बारे में। एनवलोप्स क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चंस पर आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है एनवलोप्स का, जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। आने वाले वीडियोज़ में आपको इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिएगा। तो एनवलोप्स क्या होती हैं, डेफिनेशन ये बोलती है द एनवलोप। एनवलोप का मतलब आपको मैं बता दूँ, किसी चीज़ को ढकना। जैसे मेरे पास अगर कोई बुक है तो हम उस पर कवर चढ़ाते हैं चारों तरफ से, तो जो कवर होती है वो चारों तरफ से चढ़ती है। मतलब कोई गिफ्ट पैक करवाते हैं ना, तो चारों तरफ से पैक करवाते हैं, तो वो जो पन्नी होती है वो होता है आपका एनवलोप्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। द एनवलोप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ कर्व विच टचेस ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली एंड ईच पॉइंट इज टच्ड बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब हर एक बिंदु और हर एक फैमिली के कर्व को वो टच करता है चारों तरफ से, ओके। चलिए ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने जो पहले लिया वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कहती है फाइंड द एनवलोप ऑफ द फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो हमें दे रखी है y बराबर mx प्लस a अपॉन m, ये है। और यहाँ जो m है वो आपका पैरामीटर है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनवलोप्स फाइंड करना है, जो पैरामीटर होता है आपको उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना होता है डिफरेंशिएट करके, ठीक है। ये टेक्निक है इस क्वेश्चन का करने का। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे हमने लिख दिया और हमने ये मेंशन कर दिया कि जो यहाँ m है वो पैरामीटर है, यानी कि जो आपको डिफरेंशिएट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके सर्वच करना पड़ेगा, उस पैरामीटर m के, ठीक। तो जब हम m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से x तो कॉन्स्टेंट है, m का डेरिवेटिव वन, यहाँ से a आ जाएगा और 1 अपॉन m का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी रूट a अपॉन रूट x। अब m की वैल्यू क्या करना है आपको, गिवन इक्वेशन में रख देना है जहाँ जहाँ है, फिर आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने रख दिया m के प्लेस पे वैल्यू और इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने पर y स्क्वायर इसका स्टू क्या आ गया 4ax, जो कि आपकी एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनवलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस ए एम की पावर p, वेयर m इज द पैरामीटर। तो वही अप्रोच यहाँ पर भी रखना है कि आपको ऐसा एक इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें m आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि m आपका पैरामीटर है। तो फिर से वही चीज़ गिवन इक्वेशन में लिखा, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर m। तो यहाँ से y का ज़ीरो हो जाएगा, एम एक्स का x हो जाएगा, e कांस्टेंट है, p सामने आएगा, एम पी माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन मैंने अगर कर रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, देखेंगे आप कि आपको a m की पावर p किसके इक्वल मिल रहा होगा, माइनस एम एक्स अपॉन p के इक्वल मिल रहा होगा। अब देखिए a m की पावर p यहाँ पर है, इस इक्वेशन सेकंड माना, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर वन में। जब आप रख देंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा और इधर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा पी वाई इजकल्स टू एम एक्स इंटू पी माइनस वन, या फिर पी वाई इजकल्स टू एम एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी एम एक्स माइनस एम एक्स, एम एक्स कॉमन ले लेंगे तो पी वाई इजकल्स टू एम एक्स माइनस पी माइनस वन, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अभी भी हमारा m एलिमिनेट नहीं होता दिख रहा है, अभी भी m हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। अब मैं थोड़ा और कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन में देखिए पावर में p है, ये m की पावर p है, तो यहाँ एलिमिनेट करने के लिए कुछ ऐसा मुझे करना है, तो मैं सबके पावर में क्या ले लूँगा, p ले लूँगा। तो देखिए सबके पावर में p आ गया और मुझे m की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है, m की वैल्यू पता है, यहाँ से पी वाई अपॉन एक्स अपॉन पी माइनस वन हो जाएगा, वो मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक। रखने के बाद मैं जब कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा जिसमें मेरा m नहीं है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट।